नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। एक अध्यापक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब उसके विद्यार्थी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे या किसी परीक्षा में अच्छा स्कोर करें, और ऐसे ही खूबसूरत लम्हे को मैं आज आपके बीच में साझा करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं हालांकि एक कोई अध्यापक नहीं हूं, बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, फिलोसफर नहीं हूं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं हमेशा हिंदी साहित्य का विद्यार्थी ही रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं पिछले 4-5 सालों से, 2016 से मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन हालांकि हमने लेट स्टार्ट किया था, तो इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस, चाहे हमारी एजुकेशन में रहे हों, चाहे हमारे पढ़ाने के तौर तरीकों में रहे हों या पढ़ने के तौर तरीकों में रहे हों, अलग अलग चेंजेस आपको देखने को इसमें मिलते हैं। और यही चेंजेस आप देखेंगे कि मेरे में भी रहे, और मैं तब से लेकर के 16 से लेकर के आज तक लगातार कुछ न कुछ नई चीजें सीख रहा हूं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई अध्यापक नहीं हूं, बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं जस्ट एक विद्यार्थी हूं। और जैसे कि COVID-19 के दौर में हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस का एक जो बहुत डेकोरम अच्छा होता था, जहां पर हम अच्छे से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट हो पाते थे, वो चीज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं छूट गई हमसे जब ये COVID-19 का दौर चला। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कोविड के दौर में सुरक्षित रहें, जहां कहीं भी आप हैं आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और बिना वजह घर से या इधर उधर जहां पर आप हैं वहां से ना निकलें, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, इसको हमने ओवरकम करना है। और अब अगर मैं टीचिंग की बात करूं, तो जैसे ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना शुरू सोचा, उससे पहले हमने YouTube चैनल के लिए हम बढ़े उसकी ओर, हालांकि एक साल हमें YouTube में पढ़ाते पढ़ाते हो गया था, YouTube में भी वो इंटरेक्शन नहीं हो रही थी जिस तरीके से कि ऑफलाइन क्लासेस में होती थी। वहां से फिर एक दौर जो चला, या यूं कहें कि जब अलग अलग प्लेटफॉर्म थे हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग के लिए, लेकिन हमने ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचमेंट को चुना, इसलिए क्योंकि टीचमेंट आई थिंक इस वक्त मुझे लगता है कि इंडियाज नंबर वन जो ऐप है ये टीचिंग ऐप फॉर टीचर्स। अगर आप भी टीचर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टीचमेंट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टीचमेंट बहुत ही बेहतरीन आपको सुविधाएं देता है, जहां पर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उनको, और पूरा असाइनमेंट टेस्ट वगैरह आप ऐप के जरिए ही ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की परेशानी वहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि टीचमेंट की अपनी एक लाइन है कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है, सब काम टीचमेंट करके देता है, हमें सिर्फ पढ़ाना है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं टीचमेंट का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम टीचमेंट में पढ़ा सके। इसके अलावा दोस्तों, हमने एक वीडियो डाला था YouTube में, लगभग आपका ये जो हमारी LTTAT HP की परीक्षा होने जानी थी 10 जुलाई को, तो जून महीने में या जून से पहले मई में हमने एक वीडियो डाला था कि हम इस तरीके से फर्स्ट टाइम लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और हमारा जो कोर्स है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया और हमारी क्लासेस में वो पहुंचे, और ये बिल्कुल नया अनुभव था हमारे लिए। बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर भी था, मेरे ऊपर भी था, कि किस तरीके से लाइव क्लासेस कंडक्ट करनी है और किस तरीके से क्लास लगाना है। अनजान स्टूडेंट होंगे जिनको हम जानते नहीं है, वो लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत करना, सब कुछ नया अनुभव था मेरे लिए भी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो हमारे साथ जुड़े थे। तो दूसरी क्लासेस में तो ऐसा होता है कि हम उन लोगों को जानते हैं, लेकिन उन लोगों ने हिंदी साहित्य वार्ता चैनल को देखते देखते लगभग एक साल से लगातार हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे थे वो भी उसमें पहुंचे, और जो लोग नहीं थे उन लोगों ने भी कोशिश की हमारे तक पहुंचने की। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया केवल एक वीडियो देखकर, और उस भरोसे को हमने सही साबित करने की कोशिश की। और ये हम नहीं, हमारे रिजल्ट्स कहते हैं। आप साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ तैयारियां की, उन्होंने किस तरीके से इस LTTAT की परीक्षा में बेहतरीन स्कोर करके अपना एक अच्छा स्थान की हासिल किया है इस टेट की परीक्षा में। 150 में से 137 मार्क्स जो थे वो हमारे हिंदी साहित्य वार्ता चैनल से जो हमारे जो लाइव क्लासेस जो हमारी थी उसमें हुई है मिस्टर हरीश हस्टिल्टा। तो मैं हिंदी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से इनको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बधाइयां देता हूं कि इन्होंने हिंदी साहित्य वार्ता जैसे प्लेटफॉर्म को चुना, और पहली बार जब हम अपने अस्तित्व के लिए या फिर अपना आधार बना रहे थे, आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया कि हम एक बेहतर कंटेंट देते रहे हैं, और हमेशा हिंदी साहित्य वार्ता चैनल ऐसा ही कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो
आपने हमारे ऊपर ये आपने भरोसा जताया, तो इस बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत ज्यादा बधाइयां हम हिंदी साहित्य वार्ता परिवार की तरफ से देते हैं। एंड इसके अलावा न सिर्फ एक हरीश बल्कि हमारे पास इसी तरीके के कई हरीश हैं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। टोटल 37% अगर HP का रहा है तो 50 प्लस हमारे हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के जो स्टूडेंट है उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट इसमें ऐसे हों जिनकी परीक्षाएं उत्तीर्ण भले ही ना हो पाई हों, लेकिन उन्होंने भी अपने जो उनका स्कोर था वो उन्होंने पीछे वाले जो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी दिख रही है। और आप साइड में देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो 1 मंथ या 2 मंथ जो हमारे साथ रहे उनका किस तरीके का फीडबैक है, ये भी आप देख रहे हैं कि अपना पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। और मैं बहुत ज्यादा आज अपनी खुशी को बयान आई थिंक नहीं कर पा रहा हूं कि आज मेरे लिए ये कितना खुशी का पल है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा खुशनुमा अगर वो लम्हा किसी के लिए होता है तो वो एक टीचर ही होता है। क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट अनुभव है जब मैं लाइव ऐसे देख रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, मैं यूं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उनको पढ़ाया, बल्कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैंने इनको पढ़ाया नहीं बल्कि इन्होंने मेरे साथ पढ़ा, ये चीज है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने इनसे सीखी, इन लोगों से, और इन लोगों ने भी मुझे और ज्यादा प्रेरित किया और ज्यादा उत्साहित किया कि हम सुबह जैसे जल्दी क्लास लग जाती थी तो एक अलार्म जैसा रहता था और एक ऐसा होता था कि आज क्लास लगानी ही लगानी है। तो पहला अनुभव है, तो रिजल्ट्स की हम सब लोग अच्छा कर रहे थे, उम्मीद की मैक्सिमम लोग इसमें उत्तीर्ण रहे और हम इसमें काफी हद तक सफल रहे हैं। ये सब लोग सब जो है इनके प्रयासों से ही संभव हो पाया है। जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स थे अच्छा स्कोर रहा है सबका, बहुत ज्यादा सबको बधाई शुभकामनाएं। और इसके साथ ही साथ मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये सब स्टूडेंट्स ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये पहला बैच था अपने आप में नायाब लोग हैं इसमें जितने भी लोग हैं, और मैं इन सबको बहुत ज्यादा बधाई देता हूं। और आप लोग भी अगर इसी तरीके से सही तरीके से और बेस्ट तरीके से बेस्ट वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी गलत दिशा में नहीं है, आप हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिए गए हैं, आप वहां से सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप LTTET, LT Commission, UGC NET हिंदी या फिर इसके अलावा हिंदी से रिलेटेड कोई दूसरे नॉलेज चाहते हैं या कुछ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले महीने से हम फिर से September 1st से आपका जो LTTET हिमाचल प्रदेश का होने जा रहा है नवंबर और दिसंबर के लिए, उसके लिए हमने नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ हमारे साथ अभी LT कमीशन के 2 हमारे और बैच स्टार्ट हमने किए हैं जिनको जो रनिंग में है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के कंटेंट को देकर हैं। और हमारे ऊपर जो एक ट्रस्ट है लोगों का कि हम लगातार पिछले 1 साल से YouTube में भी पढ़ा रहे थे और यही चीज, यही जो प्रतिबद्धता है हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी रखेंगे। तो 1 साल में जो चीजें थी वो हमने पिछले 2-2.5 मंथ में लाइव क्लासेस में अपना जो पूरा अनुभव है वो मैं साझा कर रहा हूं। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से अच्छे रिव्यूज आते हैं और अच्छे फीडबैक आप देख रहे हैं कि साइड में चल रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब ने अपना जो एक उनका इमोशंस थे वो जोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि लाइव क्लासेस में वही इमोशन और वही इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। तो उन लोगों की जो इस धारणा को उन स्टूडेंट्स ने जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने गलत साबित किया कि आज भी अगर इस तरीके की लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जाए तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए ये मेरा पहला बैच रहेगा LTTET 2021 का, जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा और इसको मैं यादगार इसलिए बनाना चाहता था, इसीलिए मैं आज YouTube वीडियो आपके साथ बना रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम कुछ एक जैसे फ्रेशर थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी लेडीज थी या फिर अपनी जो बहनें थी जो तैयारियां करना चाहती थी लेकिन घर गृहस्थी के चलते उनकी तैयारियों में एक जैसे विराम चिन्ह लग गया था, घर से बाहर जाना आना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में हिंदी साहित्य वार्ता चैनल ने, ऐसे में सुभाष ठाकुर ने थोड़ा सा प्रयास किया था कि उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि वो घर बैठे क्लासेस लगा पाएं, क्लासेस लगाने के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनको मिल जानी चाहिए, यही हमारा प्रयास रहा था। और जब मैं इन लोगों को देखता हूं जो अपने घर परिवार के साथ, जो अपने बच्चों के साथ, जो अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर हमारी क्लासेस लगाती हैं, कोई खाना बनाते वक्त क्लास लगा रहे हैं लाइव देख के, कोई दूसरी चीजें करते वक्त क्लासेस लगा रही हैं, मतलब ये लोग इतना स्ट्रगल करके हमारे साथ जुड़े हैं,
तो मैं डेफिनेटली मैं आपको उनको पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर आप लोग शायद वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास बेस्ट कंटेंट है उसको हमेशा देने की कोशिश वैसे तो हमारी रही है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जिस दौर में आप लोग कर रहे हैं अभी हम जिस बिल्कुल फ्री हैं, अभी हमारे ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि कंटिन्यूसली आप हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के साथ बने हुए हैं और मेरे ऊपर आपने लगातार अपना भरोसा रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार आप सब लोगों का जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, या आप चाहते हैं कि आपने भी हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के साथ जुड़ के तैयारियां करनी है, या आपने किसी अपने छोटे भाई बहन या किसी दूसरे दोस्त की तैयारियां करवानी है, तो आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप बेझिझक कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है। तो इतनी सी चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपके बीच में शेयर करनी थी। आपने शायद देख भी लिया होगा कि एक मंथ में या डेढ़ महीने में हमने जो ये तैयारियां की लगभग 50 लेक्चर्स में, इनमें हमने बहुत सारे जो चीजें थी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की हुई हैं, और स्टूडेंट्स का जो प्रेम था, स्टूडेंट्स की जो हमारे ऊपर एक ट्रस्ट था, उसको हमने कोशिश की है कि उसको बनाए रखें, और आगे भी भविष्य में भी ऐसा ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप बेफिक्र होकर हिंदी साहित्य वार्ता के ऊपर और हमारे ऊपर भरोसा जता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। वंस अगेन उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने LTTET 2021 में बेहतरीन स्कोर किया है, उनके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और भविष्य के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में वो कामयाब हो सके। तो आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।